गुड मॉर्निंग यार सबको इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। इतनी गंदा सर दर्द हो रहा है ना, क्या बताऊं आज। कोई नहीं यार, कल रात को एडिटिंग करने के चक्कर में सुबह सुबह बाथ एंड बॉडी वर्क्स एंड होम सेंटर से शॉपिंग करने के बाद अब मैं जा रही हूँ KFC कुछ खाने को पैक कराने। पूल साइड बैठना था लेकिन लॉक हो चुका है, अब बैठ नहीं सकते यहाँ पे। मैंने सेट बैटअप सब हटा दिया, क्या फायदा। अरे कोई नहीं भैया, क्या हो गया। तो यार भैया जा रहे हैं, ये बंद हो गया, 10 बज गए क्योंकि भाई क्या तगड़ा एशेज का फाइनल डे चल रहा है। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स पीक, एट इट्स बेस्ट बोलूंगा मैं ये तो। गुड मॉर्निंग YouTube फैमिली, आज है मंडे और इस समय बज रहे हैं सुबह के 7। तो यार सुबह 3-4 बजे से ना इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। अभी भी कंटिन्यूसली ड्रिजलिंग चली रही है बट मौसम बहुत बढ़िया हो गया, अब मुझे लगता है ह्यूमिड हो जाएगा। तो यार बस अब जाना है ऑफिस, तो करते हैं ऑफिस जाने की तैयारी, अपना लंच और ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर रेडी होके निकलते हैं ऑफिस के लिए। बनाने लगी हूँ पुलाव, ये मटर, अनियन, पटेटो और न्यूट्री। तो न्यूट्री वाले राइस बहुत पसंद है तो ये तड़का लगाते हैं और बनाते हैं। फिर वेजिटेबल्स हो गई हैं सोते, अब इसमें डालते हैं ये राइस और बनाते हैं पुलाव। यार राइस हो गए हैं रेडी और मैंने कर दिए हैं पैक सुदीप के और अपने। 9 बज गए हैं सुबह के भाई, इतनी तेज बारिश हुई है ना गुड़गांव में आज सुबह सुबह, बहुत तेज बारिश हुई है और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसकी वजह से इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, मैं भी लंच वगैरह लेके अपना जिस गाड़ी के पास पहुंचा ही और हम लोग ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं। हो सकता है कि यार टाइम लग जाए ज़्यादा पहुंचने में ऑफिस, बिकॉज गुड़गांव के अंदर ऐसा होता है कि अगर हल्की फुल्की सी बारिश हो जाए ना भाई, उसके बाद इतना गंदा ट्रैफिक लगता है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब हल्की फुल्की सी भी अगर ब्लॉकेज हो जाए ना यहाँ पे, लंबे लंबे किलोमीटर के जाम लग जाते हैं। वो सब निकल ही रहे हैं, हम निकल के चेक करते हैं। Later that same evening. मैं तो थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ ऑफिस से 5:30-6 बजे क्योंकि मुझे जाना है अभी एम्बियंस, तो आधा पौना घंटा मुझे वहाँ लगेगा। मुझे लेना है लैपटॉप का बैग और भी एक दो छोटे काम है, तब तक सुदीप भी फ्री हो जाएगा 6:45 तक, फिर निकलेंगे उसको पिक करने के लिए। यार मंडे को भी ना ये देखो पार्किंग में पूरी लाइन लगी हुई है वहाँ तक। गाइज मैं तो पहुंच गई हूँ एम्बियंस मॉल, मैंने कर दी है कार पार्क, अब चलते हैं ऊपर और करते हैं शॉपिंग। मैं पहले जा रही हूँ कार्लटन लंदन अपना लैपटॉप का बैग देख, तो देखते हैं क्या मिलता है। मेरा बैग बहुत बेकार हो गया तो न्यू लेना है। यार बैग तो मिला नहीं लेकिन मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क से करनी है शॉपिंग। यार कुछ ना कुछ हो ही जाता है अलग अलग शॉपिंग। तो यार अब मैं एंटर होने लगी हूँ होम सेंटर, मुझे किचन का कुछ सामान देखना है, बेडशीट देखनी है और देखना है मुझे कर्टेंस। कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो अच्छा लगेगा, मतलब कप्स हैं और मुझे कुछ कंटेनर्स लेने हैं बहुत अच्छे अच्छे से, तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप बताना कौन से कलर्स अच्छे हैं, ये भी बाद में दोबारा लेके जा सकते हैं। ये कलर्स हैं यार, येलो, ब्लू, पर्पल, डार्क ब्लू, मैचिंग कप्स। मंडे को वाइब देख लो एम्बियंस। बाथ एंड बॉडी वर्क्स एंड होम सेंटर से शॉपिंग करने के बाद अब मैं जा रही हूँ KFC कुछ खाने को पैक कराने। थक गए हैं, बहुत वॉक करी है, सामान ज़्यादा मिला नहीं, बट हाँ होम सेंटर से मेरा काम हो गया कुछ कुछ और बाथ एंड बॉडी वर्क से भी हो गया। तो मैं सोच रही हूँ चिकन पॉपकॉर्न और फ्राइज़ पैक करा रही थी क्योंकि सुदीप को भी बहुत भूख लग रही है, तो चलते हैं अंदर और पैक कराते हैं। फिर ये रहा KFC, अंदर चलते हैं और ऑर्डर करते हैं फटाफट। फिर ये रहा सारा सामान, ये है KFC जो भी पैक कराया है, ये हमारा होम सेंटर का सामान, ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स। तो यार सब ले लिया है, अब निकलते हैं सुदीप को पिक करने। इतनी गंदा सर दर्द हो रहा है ना, क्या बताऊं आज। कोई नहीं यार, कल रात को एडिटिंग करने के चक्कर में सुबह सुबह 4 बज गए सोते सोते, और ऑफिस भी आना था और ऑफिस अलग निकलना था और मंडे था आज। कोई नहीं, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने को लाई हूँ। इतना सर दर्द हो रहा है ना, क्या तुम्हारे लिए खाने को लाई हूँ, क्या लाए हो तुम्हें तब, क्योंकि अभी टाइम रहेगा ना घर पहुँचने। तो रखो ये, इसको नीचे रख दूं। हां रख दो, आ जाओ मैं चलाऊंगा गाड़ी। तुम्हारे हेडेक हो रहा है? कोई नहीं चला लेंगे। हाँ भाई क्या ले रहे हो आज? लंगड़ा, मैंगो, चीकू, वाटरमेलन और ये इधर भी तो है, ये देखो ये भी लेंगे यार, ये देख लो गोभी है, गोभी लेनी है। ये करेले तो मैं खाता नहीं भाई, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी भिंडी और तोरी ले लेंगे। The next morning. व्यू देखो यार, और नॉन स्टॉप बारिश हो रही है रात से, नॉन स्टॉप। गुड मॉर्निंग यार सबको इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। तो यार 6:30 बज गए हैं, काम चल रहा है नीता दीदी का और मैं करने लगी हूँ ऑफिस जाने की तैयारी। ऑफिस के लंच के लिए बन रहा है मटर पनीर, तो मसाला रेडी हो गया है और पनीर हो रहा है शैलो फ्राई, तो इसमें डालते हैं और रेडी करते हैं। तो यार फ्रूट्स हो गए हैं पैक,
वाटरमेलन, ये सफेदा मैंगो और ये लंगड़ा मैंगो। लेटर दैट सेम इवनिंग यार 8:15 बज गए हैं रात के, अभी ऑफिस से आए हैं जस्ट वापस। सुबह सुबह इसी जगह पे धुंध थी आपने जैसा देखा, और अब देख लो पूरा क्लियर है और क्या बढ़िया लाइट्स हैं और क्या मस्त नजारा है एकदम। और अब चल रही है बढ़िया हवा, ठंडी ठंडी अभी हवा चल रही है इस टाइम। गरम गरम पॉपकॉर्न बन के आ गए हैं, सामने चल रहा है हमारा ही व्लॉग, फटाफट से ये खा लेते हैं यार। यार हम आ गए नीचे और बहुत बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है यार। बिकॉज आज बारिश हुई है, क्योंकि सुबह भी बारिश हुई है, कल भी हुई है। अभी हम वॉक करेंगे 15-20 मिनट पूल साइड बैठेंगे और फिर जाएंगे ऊपर। और ये देख लो यार, एक बार दिखा देता हूँ सोसाइटी की वाइब। आज ये देखो हवा देख लो यार, क्या बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रहा है नीचे खड़े होके। अब चलते हैं सीधा, ये देख लो ऊपर सोसाइटी की वाइब। ये देख लो यार लॉक हो गया है क्योंकि हम लेट आए हैं, थोड़ा पूल साइड बैठना था लेकिन लॉक हो चुका है, अब बैठ नहीं सकते यहाँ पे। गजब बेइज्जती है। ये देख लो यार, एक बार मैं आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ, क्या ज़बरदस्त व्यू है। ये देखो है ना सुंदर, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। हमारे यहाँ पे ना एक किंगडम ऑफ कॉफी खुल गया है, अंदर सारी टाइप की कॉफी है, ग्रीन टी है। किंगडम ऑफ कॉफी देख लो यार पीछे इसके, ये देखो भाई। और मैं भी इस समय कॉफी तो पीऊंगी नहीं, मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, कल आके पीऊंगी इवनिंग में। मैं हॉट कॉफी, तुम पीना कोल्ड कॉफी, यहाँ की टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे नीचे सोसाइटी में कैसी कॉफी मिलती है। अभी स्टार्ट हुआ है थोड़े दिन पहले ही है ना? 2 महीने हुए हैं, 2 महीने। अरे भैया बोल रहे हैं सामान तो 2 महीने पहले आ गया था, लेकिन ओपन 15-20 दिन पहले हुआ है। हाँ, नहीं हमें लग रहा था 2 महीने पहले खुला है। नहीं सर, अभी मैंने सब हटा दिया, क्या फायदा। अरे कोई नहीं भैया, क्या हो गया। तो यार भैया जा रहे हैं, ये बंद हो गया, 10 बज गए हैं क्योंकि। आपका नाम क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। राहुल। राहुल तो हम कल आएंगे, फिर कल आपसे आराम से आके पीते हैं, ठीक है। मैंने सोचा था कि रोज वॉक के साथ साथ मैं जिम भी करूंगी, बट वो मैं नहीं कर रही हूँ। तुमसे ना हो पाएगा, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि वॉक ही मेरी हो जाती है यार 10,000 steps प्लस घर का काम और ऑफिस, तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा यार कैसे करूँ। मैं सोच रही हूँ और 1 वीक के बाद ये जुलाई में एक बार ट्राई करूँ स्टार्ट करने का, एटलीस्ट 1/2 hour। क्या बोला तूने? या मॉर्निंग में इवनिंग में, अब सब आपको पता ही है, सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच बनाना होता है, 9 बजे तक निकलना होता है, फिर पूरे दिन ऑफिस, फिर आके फिर डिनर की तैयारी और फिर अपनी वॉक कंप्लीट करनी है 10,000 steps, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। पर मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ करके यार 1/2 hour या फिर एटलीस्ट 20 मिनट से मैं जिम स्टार्ट करूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। प्लीज़ ऐप एक्सरसाइजेस मैं कर लूँगी कि वॉक से मेरा वर्कआउट तो मतलब कार्डियो तो हो जाता है, बट एक्सरसाइजेस नहीं हो पाती हैं। तो यही देखते हैं कुछ ना कुछ करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? हम रोज पी सकते हैं। मैं तो रोज पी सकती हूँ हॉट कॉफ़ी। देख रहे हो ये हॉट कॉफ़ीज़ हैं और ये कोल्ड वाली सारी, तो अच्छा बना हुआ है काफ़ी। मैं दूर से दिखाता हूँ एक बार ही आपको, देखो ये देख लो यार। और यहाँ पे हम बैठेंगे आराम से अपना क्लब में और कॉफ़ी इंजॉय करेंगे शाम को। बट तगड़ा एशेज का फाइनल डे चल रहा है, 281 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया को, 180 बन चुके हैं, 5 आउट हैं, 40 ओवर के करीब बचा हुआ है अभी इस टाइम पे, और भाई 5 विकेट आउट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स पीक, एट इट्स बेस्ट बोलूँगा मैं ये तो, क्योंकि एशेज तो यार एनी टाइम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कभी भी देख लो आप, टेस्ट मैच में पूरी 100 से भी ऊपर % अपनी देते हैं भाई दोनों टीमें। क्या बॉलिंग करवा रहा है यहाँ पे ओली रॉबिन्सन और यहाँ पे भाई कैमरन ग्रीन खेल रहा है, और वहाँ पे ख्वाजा तो भाई पहली इनिंग में भी 100, यहाँ पे 50 से ऊपर। ऑस्ट्रेलिया को जो नुकसान मेन हुआ है ना, स्टीव स्मिथ और मानस लबशिन दोनों के रन नहीं आए, वहाँ बेचारों को काफी लॉस हो गया। मैं यही बोलूंगा इंग्लैंड अभी आ गया है भाई इस टाइम पे, 100 रन चाहिए, बट इंग्लैंड अभी भी फ्रंट पे है। अबे साले देखते हैं क्या होता है, पार्टनरशिप चाहिए यहाँ से तगड़ी, सो दैट थोड़ा टारगेट के क्लोज जाएंगे तो और थ्रिलिंग मैच होगा एंड तक। हम आपको मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट। और यार थोड़े व्यूज बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, प्लीज देखो यार वीडियोज।